जब सीबीआई के मेरे पास मेरे ऊपर केस स्टार्ट हुए ना, तो ये बहुत चल रहा था कि सत्यन जैन को कल अरेस्ट किया जाएगा, ये परसों अरेस्ट किया जाएगा। अब अरेस्ट किया जाएगा तो लोग तैयारी क्या करते हैं? बिल्कुल लोग वकील के पास जाते हैं, वकील को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं। मैंने तैयारी क्या की थी, हमारे तिहाड़ जेल मेरे अंडर आती है, तो डायरेक्टर जनरल जो तिहाड़ जेल के थे उनको बुलाया, मिस्टर यादव थे। मैंने कहा ये, और मैंने उनसे पूछा भाई ये बताओ तिहाड़ के अंदर फ्रूट मिलता है? कह दिए वो, कहते हाँ जी। क्या क्या हुआ सर? मैंने फिर बताओ मिलता है नहीं मिलता है? कहते यस सर। मैंने देखो ऐसा था, जब मैं पहले तिहाड़ में गया था 2 दिन के लिए गया था, 2 दिन तो मैं भूखा रह लिया था, मैं मतलब अन्न नहीं खाता जब तक मैं मंदिर नहीं जाता, मेरा नियम है। तो मैंने फ्रूट खा लेता हूँ, कह रहे उन 2 दिन मेरे को फ्रूट भी नहीं मिला था, मैं 2 दिन पानी पे रह लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने हॉस्टल लंबा रहना पड़े, 2-4-6 महीने रहना पड़े, फ्रूट मिल गया तो मैं जिंदा रह लूँगा, कोई बात नहीं है। मैंने फ्रूट मिलता है? कहते हाँ जी मिल जाता है। दूसरा मैंने कहा भाई अगर मैं तिहाड़ में आता हूँ एक छोटा सा कमरा मिल जाएगा, एक पेंसिल या पेन और एक कॉपी, बस मेरी यही डिमांड है और कुछ नहीं चाहिए। वो बेचारा खड़ा हो गया, कहते हैं सर ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा भाई तैयारी कर रहा हूँ ना आने वाले समय की, हो सकता है 2-4-6 महीने साल 2 साल रहना पड़े। देखो महात्मा गांधी रहे, अब महात्मा गांधी ने ऐसे कर्म थोड़ा किए थे इतने साल जेल में रहे। सही बात, भाई जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, सब रहे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसे कर्म, और तो भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था, अगर मैंने ऐसे कोई कर्म किए हों जिसकी वजह से जेल जाना पड़े तब तो मुझे शर्म आए, तब मैं कहूँगा कुछ गलत किया है। मैंने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए, तो मैं अपनी तैयारी ये कर रहा था मैं ठीक ठाक अपना वहाँ पे। मैंने कहा और कोई डिमांड नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई बेड नहीं चाहिए, मैं जमीन पे सो जाऊँगा, मुझे लिखने के लिए ज़रूर चाहिए, हाँ एक टाइम में एक किताब भी चाहिए, मतलब एक किताब, एक कॉपी, एक पेन या पेंसिल और एक खाने के लिए फ्रूट, बस मेरी कोई डिमांड नहीं। मैंने ये तैयारी की थी कि भी अंदर जाके रहना पड़े, तो बड़े मुझे आश्चर्य हो रहा था कि भाई लोग तो वकीलों से बात करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं। मैं अपना दूसरा तैयारी कर रहा था कि भी अगर ऐसा मौका आया तो।